अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉक्स प्लेट ड्रेस डिज़ाइनिंग लाई हूँ। ये तमाम की तमाम डिज़ाइनिंग, जितनी भी आप पिक्स देखेंगी, सब में बॉक्स प्लेट का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बॉक्स प्लेट वाले ड्रेस बहुत ही प्यारे लगते हैं। ख़ासकर बेबीज़ के फ्रॉकों में बॉक्स प्लेट बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आपको बॉक्स प्लेट डालने की ट्रिक नहीं आती तो आप मेरे चैनल से इसकी ट्रिक सीख सकती हैं। बहुत इजी मेथड के साथ मैंने अपने बिगनर्स को भी और बेबीज़ फ्रॉकों में बॉक्स प्लेट डालने की ट्रिक बताई है, बहुत इजी मेथड के साथ। बहुत इजी ट्रिक है, आप देखेंगी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना फैब्रिक हो और हमने उसमें कितनी प्लेट देनी हो तो हमें किस तरह से मैयर करना होगा। क्योंकि बॉक्स प्लेट डालने के लिए आपको फैब्रिक को पेमाइश कर कर फिर उसके बाद बॉक्स प्लेट की पेमाइश करनी है कि आपने 3 डालनी है, 5 डालनी है, 1 डालनी है, 2 डालनी है। इस तरीके की ट्रिक मैंने अपनी वीडियो में दी हुई है। आप मेरे चैनल से आप बॉक्स प्लेट डालने की ट्रिक को देख सकती हैं, हाउ टू अ मेक बॉक्स प्लेट। इसके अलावा बेबीज़ के बहुत सारे फ्रॉकों में हमने बॉक्स प्लेट के साथ ट्रिक भी बताई है, अलग से भी वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से खुद बॉक्स प्लेट डाल सकती हैं, ज़्यादा फैब्रिक में, कम फैब्रिक में। क्योंकि बॉक्स प्लेट डालने की ट्रिक हमने बेल बॉटम में, गरारे में, यानी कि आप जिस तरह का ड्रेस भी देखेंगी आपको बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे मिलेंगे बॉक्स प्लेट वाले, जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये किस तरीके से डलती है। क्योंकि बॉक्स प्लेट बहुत सारी चीज़ों में डलती है, ख़ासकर बेबीज़ के फ्रॉकों के अलावा बेल बॉटम में और शरारे में, और अगर आप चाहें तो बेडशीट में, पर्दों में, और बहुत सारी ऐसी हमारे ड्रेसेस होती हैं जिनमें हम बॉक्स प्लेट डालना पसंद करते हैं। क्योंकि बॉक्स प्लेट डालने से फैब्रिक बड़ा नफीस और बड़ा प्यारा लगता है, जमा जमा सा। और बेबीज़ के फ्रॉकों में, ख़ासकर कॉटन फैब्रिक में, आप जब भी बॉक्स प्लेट डालेंगी बनिस्बत रेशमी फैब्रिक के, यानी सिल्की फैब्रिक के, कॉटन में बॉक्स प्लेट ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और नीट भी बनेगी। जैसा कि आपको पिक्स में नज़र आ रहा है, ये बॉक्स प्लेट फैब्रिक में कितनी नीट बनी हुई है, यानी कॉटन फैब्रिक में। ये देखें, ये सिल्क फैब्रिक है, लग तो ये बहुत प्यारा रहा है, ये बहुत मोटे वाली सिल्क है, इसमें भी बॉक्स प्लेट बड़ी नीट डलती हैं बनिस्बत लचक वाली सिल्क के। क्योंकि मैं जब भी अपने व्यूवर्स को ये बताती हूँ कि बॉक्स प्लेट आप किस तरह डालें, तो आप उसके लिए सख्त कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर आप लचक वाले कपड़े में बॉक्स प्लेट डालेंगी तो वो उतनी नीट और उतनी खूबसूरत नहीं बनेगी बनिस्बत खड़े कपड़े के। तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि कॉटन फैब्रिक और सख्त सिल्क फैब्रिक की बॉक्स प्लेट बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और बॉक्स प्लेट वाले फ्रॉक भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, उनके ऊपर बो का इस्तेमाल तो बहुत ही हसीन लगता है। आपने मेरे चैनल में बो की ट्रिक भी देखी होगी, फ्लावर मेकिंग की भी। आप अगर चाहें तो अपनी बेबीज़ के फ्रॉकों को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं, बो की ट्रिक भी ले सकती हैं, फ्लावर की ट्रिक भी ले सकती हैं। क्योंकि मेरे चैनल में बो का और फ्लावर का काफ़ी इस्तेमाल होता है बेबीज़ के फ्रॉकों में, तो मैंने उनके तरीके और ट्रिक भी बताई हुई हैं और अपने सेकंड चैनल मकबूल क्रिएशन में स्पेशली फ्लावर मेकिंग का चैनल है, उसमें बो का इस्तेमाल हुआ हुआ है, यानी कि बो मेकिंग, फ्लावर मेकिंग। आप उसमें हर तरह की फैब्रिक, रिबन और पेपर के ज़रिए बो और फ्लावर सीख सकते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो में कोई बात अच्छी ना लगा करे तो प्लीज़ हमारी तरदीद क्या करें कि हमने कोई बात गलत तो नहीं बोल दी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक हम सब की हर जायज़ हाजात कबूल व मंजूर फरमाए, जो हमारे हक में बेहतर हैं। जिन जिन दुआओं में हमारी भलाई है, जिन दुआओं का अंजाम हमारे लिए बेहतरीन है। वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। एक बार फिर कहूँगी, वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।